इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक तस्वीर पर एक हार चढ़ा हुआ है, वही हार जो किसी की मौत हो जाने पर चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या यहाँ किसी की मौत हुई है? कौन मर गया? तिरंगे के रंग के इस लोगो को अगर आप पहचानते हैं तो समझ गए होंगे कि इस तस्वीर में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की तस्वीर पर ही हार चढ़ाया गया है। आसपास जनता खड़ी दिखाई दे रही है, उसी तरह जैसे किसी की मौत हो जाने पर लोग दुखी होते हैं। यूं तो ये तस्वीर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाई गई है, लेकिन इस तस्वीर के जरिए बड़ी बात कहने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर आज दिन भर ऐसी तस्वीरें घूमती रही। आज देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच में ऐसी वीडियो तस्वीरें सामने आती रही, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखने लगे कि देखो इलेक्शन कमीशन तो अब हमारे बीच में नहीं रहा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स के आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लखीमपुर के गोला करनाथ नाम की जगह पर जब ये शख्स वोट डालने गया तो हैरान हो गया। इसका आरोप है कि समाजवादी पार्टी को वोट डालने पर भी BJP का ही निशान निकला। इसने ये भी दावा किया कि खुद प्रशासन मुसलमान मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहा है। प्रशांत कुमार, यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहन वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कहते जाओ वोट पड़ गया, और जब हम डालने गए हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे प्रशांत पीठासीन अधिकारी। गोला, मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती मुन्नूगंज, मेरा वोट नंबर है 575 नंबर मेरा वोट है। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो तो ऐसा है जिसमें ये दावा किया गया कि शाजापुर लोकसभा की कटरा विधानसभा के गांव न्यूनरा में बूथ संख्या 368 पर पुलिस प्रशासन के लोग, इलेक्शन कमीशन के लोग भाजपा की स्टिकर लगी गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे और गांव-गांव जाकर मतदाताओं को डरा धमका रहे थे। ये BJP का प्रधान है और ये गाड़ी लेके आए, पर्सनल पकड़ के ले जा रहे हैं। हमारी बात सुनी जाए इलेक्शन कमीशन। हम चुनाव आयोग से कहना चाहेंगे, ये ऐसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं वोटरों को। अरे बात करा ना यार। वोटिंग के बीच में ही डराने और धमकाने का ये खेल खूब चलता रहा। चुनाव आयोग के मुर्दा होने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। अब ये तीसरा वीडियो देखिए। समाजवादी पार्टी की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में दावा किया गया कि कन्नौज लोकसभा के सोरिख में भाजपा विधायक पुलिस को धमकी दे रहे हैं और मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। शांति से यहाँ पे देखो, कोई चौधरी इधर हो, समझो। BJP के नेताओं ने तो सारी हदें पार कर दी। देश भर से आज ऐसे वीडियो आते रहे जिसमें BJP नेता कभी मतदाताओं को तो कभी पोलिंग अफसरों को धमकाते हुए नजर आए। ये चौथा वीडियो देखिए। इस वीडियो में BJP सांसद मुस्लिम मतदाताओं को धमकाते हुए दिख रहा है, पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाते हुए दिख रहा है। फैक्ट चेकर जुबैर की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में आरोप है कि तेलंगाना के निजामाबाद से सांसद अरविंद धर्मपुरी वोटर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग बूथ के भीतर जाकर धमका रहे थे। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब समय आ गया है कि भाषा विज्ञानी इस कहावत को अंधेरी नगरी चौपट इलेक्शन कमीशन में बदल दें, ताकि जनता को साफ साफ पता चल सके। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक वीडियो में हैदराबाद से BJP की उम्मीदवार माधवी लता मतदान केंद्र में जाकर मुस्लिम महिलाओं की ID चेक करती हुई घूम रही थी। महिलाओं के बुरके उठवाकर देखे जा रहे थे, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन और पुलिस प्रशासन का है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो जैसे मानो सारे अधिकार ही BJP को सौंप दिए हों। मैडम
सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचा तो हैदराबाद के कलेक्टर ने माधवी लता पर केस दर्ज करने की बात कही, लेकिन इस घटना ने प्रशासन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो को देखिए। यूपी के फरुखाबाद में तो बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि बीजेपी वाले शाक्य समाज के लोगों को डरा धमका रहे थे। और भगुल नगला के लोग शाक्य समाज के हैं और उसमें राजपूत समाज के लोधी राजपूत समाज के, तो सुबह ना तो हमारा कोई एजेंट बनने दिया और जब यहाँ से लोग गए तो उनको मारा गया। दहशत इस प्रकार की है कि कोई भी वहाँ वोट डालने के लिए नहीं गया क्योंकि बगल के खेत में मक्का के खेत खड़े हुए हैं, उसमें लोग मैं असलों के तैनात हैं और उन्होंने कह दिया है कि इस गांव में कोई वोट नहीं पड़ेगा। अब आप ही बताइए, क्या चुनाव आयोग जिंदा है? उदय प्रकाश की कविता है, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं देखता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं सुनता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं देखने, कुछ नहीं सुनने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। जनता शायद ये समझ चुकी है, इसलिए चुनाव आयोग की तस्वीर पर मौत के बाद चढ़ाया जाने वाला हार चढ़ा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।